हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस के अंदर क्या सिखाऊंगा, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो एक्सेस को ओपन करते हैं। देखिए, ये हमारी एक्सेस है और इसे मैंने ओपन कर लिया क्लिक करके। ठीक है, आपके पास जो भी वर्जन हो उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2021 है तो मैं इसी पर वर्क करके आपको दिखाता हूँ। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम जो है एक तरह से समझिए कि स्टूडेंट के लिए उनका एग्जाम होता है। अब जैसे एग्जाम होता है यूनिट टेस्ट फर्स्ट का, फिर यूनिट टेस्ट सेकंड का, फिर यूनिट टेस्ट थर्ड होता है या हाफ ईयरली एग्जाम होता है। ठीक है, और एक स्टूडेंट का डेटा है तो अलग अलग टेबल्स बनेंगी। लेकिन जब बात आएगी रिजल्ट की तो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का अगर हमें रिजल्ट देखना है और चारों एग्जाम हुए हो, तीन या तीनों एग्जाम हुए हो, तो ऐसे में हमको एक ही जगह पर सारे रिजल्ट्स दिखने चाहिए, उनका टोटल और एवरेज और परसेंटेज जो कुछ भी हो सकता है, ग्रेड भी दिखना चाहिए एक ही जगह पर। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां पर ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहां पर ये इस तरीके का सिनेरियो आता है जो कि पुराना ही है और यहां से आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो नेम चेंज कर सकते हैं यहां पर जा करके, लेकिन फिलहाल चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं यही रख देता हूं। और यहां से व्यू पे जाना है। जैसे व्यू पे जाते हैं तो अब यहां पर टेबल का नाम आएगा। तो हमारे जो पहला टेबल है वो रजिस्ट्रेशन का टेबल है, तो मैं यहां कर देता हूं रजिस्ट्रेशन टी, टी यानी टेबल। क्लियर, तो यहां पे रजिस्ट्रेशन टेबल कर देंगे। क्लियर, तो ये रजिस्ट्रेशन टी कर दिया, एंटर कर दिया। तो यहां पर आप देखिए ये जो है प्राइमरी की है, प्राइमरी की यानी कि यूनिक की, इसमें यूनिक वैल्यूज ही आएंगी। यूनिक वैल्यूज का मतलब समझ रहे हैं, जो वैल्यू एक बार रिपीट हो गई वो दोबारा रिपीट नहीं होगी, ये चीज याद रखिएगा। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन आईडी। और यहां पर ऑटो नंबर, ये जो है डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप यहां पर मैं शॉर्ट टेक्स्ट रखूंगा, ऑटो नंबर नहीं रखूंगा, शॉर्ट टेक्स्ट रखूंगा। क्लियर, अब इसके बाद बात करते हैं हम स्टूडेंट के फादर्स नेम की। ठीक है, यहां पर कर देते हैं फादर्स नेम। स्टूडेंट का क्या करेंगे, फादर्स नेम और स्टूडेंट का नेम भी कर सकते हैं आप चाहे तो। यहां पर हम चलिए फादर्स नेम कर देते हैं। यहां पर हम कर देते हैं स्टेट और सिटी। ठीक है, एस टी ए टी ई स्टेट, यानी स्टूडेंट का स्टेट हो गया। और स्टेट जो है यहां पर हम चूज करना चाहते हैं, इसके लिए ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं। तो यहां पर लुकअप विजर्ड पे जाके आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे जाके और यहां पे स्टेट की बात कर लेते हैं। तो जो भी स्टेट आपको देना है यहां पर ड्रॉप डाउन के अंदर दे सकते हैं, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, जो भी है यहां पर कर देता हूं, एमपी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे गुजरात कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से कुछ स्टेट्स के नाम मैंने दे दिए। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट पे जाना है और नेक्स्ट पे जाके फिनिश पे जाना है। तो ये स्टेट हो गया। अब यहाँ पर सिटी की बात करेंगे तो ये हो गया सिटी। तो यहाँ पे सिटी भी आएगा, तो सिटी के लिए ड्रॉप डाउन नहीं बनाते, ऐसे ही रख देते हैं। और फिर यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना है, तो व्यू पे क्लिक करते ही ये इस तरीके से नजर आएगा। कभी कभी ये छिपता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर जाएंगे तो ये प्लस का साइन बनेगा और पकड़ के माउस का लेफ्ट बटन दबा के और इसे ड्रैग कर दीजिएगा तो ये पूरा पूरा दिखने लगेगा। अब यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी की बात है तो X01 करते हैं यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी। अब देखिए स्टेट में क्या है कि यहां पर ड्रॉप डाउन आ रही है, तो यहां पे अगर ये यूपी के हैं तो यूपी कर दीजिए और बाकी यहां पर जो है जो भी आपके सिटी का नाम हो वो सिटी का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने स्टूडेंट का नेम नहीं दिया, एक चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे X02 करते हैं और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर मान लीजिए ये यूपी के ही हैं या बिहार के हैं तो यहाँ बिहार कर दिया। बिहार में कौन से जिले के हैं तो पटना जिला कर देते हैं, ये हो गया पटना। फिर यहां पर आते हैं X03 करते हैं, इनका एड्रेस है कि मतलब ये रहने वाले मूलतः कहाँ के हैं। फिर यहाँ यूपी करते हैं और फिर यहाँ पर कर देते हैं लाइक लखनऊ कर देते हैं, LUCKNOW। ठीक है, और यहां पर फिर आते हैं X04 कर देते हैं, इसी तरीके से करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं MP। ओके, और इसी तरीके से आगे भी आप करेंगे तो MP में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ सतना, सतना दे दिया नाम। इसके बाद जो है अब यहाँ पर क्लिक करना है इसको सेव करने के लिए, तो ये सेव हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से इसको बंद कर लेना है। तो ये एक टेबल हमारी बन गई रजिस्ट्रेशन की। अब जो दूसरी टेबल हमारी बनने वाली है वो बनेगी क्लास की टेबल। ठीक है, किसकी टेबल बनाएंगे, क्लास की टेबल बनाएंगे और उसमें हम स्टूडेंट का नाम मेंशन करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे टेबल पे जाके और यहाँ से व्यू पे जाके अब यहाँ पर क्लास की करते हैं, यानी क्लास की टेबल हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लास टी और यहां पर एंटर कर दीजिएगा और एंटर करते ये इस तरीके से नजर आएगा। तो अब क्लास टी में यहां पर आएगा रोल नंबर, क्या आएगा, रोल नंबर ROLL_नंबर कर दिया। तो ये हो गया रोल नंबर और रोल नंबर को हम इस बार ऑटो नंबर ही रखने वाले हैं। ठीक है, और यहां पर क्या करते हैं, यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी दे देते हैं, तो ये कर दिया रजिस्ट्रेशन
और अंडरस्कोर लगा के आईडी कर देते हैं। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन आईडी, और रजिस्ट्रेशन आईडी शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप ही रखेंगे, क्लियर। और इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नेम भी आएगा, तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट भी कर देते हैं, तो अंडरस्कोर लगा के नेम ऑफ, अब गैप देने के बजाय आप अंडरस्कोर लगा लीजिएगा, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर क्या होता है, तो अंडरस्कोर जो है आप जो डैश लगाते हैं साइन, जिस बटन से आप डैश प्रेस करके लगाते हैं ना, उसी बटन को अगर शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो अंडरस्कोर यानी नीचे आ जाएगा, ये लाइन जो आ रही है ना यहाँ पे, ये लाइन ये नीचे आ जाएगी और इसे अंडरस्कोर कहेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स आ गया है, देख सकते हैं आप। अब इसको यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है, व्यू पे, ठीक है। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो अब देखिए यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाए, लेकिन यहाँ पर एक खासियत है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी प्राइमरी की नहीं है, जबकि जो रजिस्ट्रेशन वाली टेबल है उसमें ये प्राइमरी की है, यानी यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू आप यूज ही नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर अगर मैं वन कर दूंगा तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, देखिए यहाँ पे जा करके यहाँ पे देखिए x01 किया है ना, अब अगर दोबारा मैं कर देता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं तब तक ये जो है आपको क्लोज नहीं करने देगा। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये प्राइमरी की है बट इन क्लास टेबल ये प्राइमरी की नहीं है। तो यहाँ पे x01 करते हैं और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं जहीर, तो एक नाम लिख दिया हमने जहीर, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं x02 करते हैं और यहाँ पर भी स्टूडेंट का नाम देंगे, तो जो स्टूडेंट का नाम है तो यहाँ पे दे दीजिए आप। फिर यहाँ पे आइए x03 करिए और यहाँ पर जो है स्टूडेंट का नाम दे दीजिए, तो यहाँ पे सूरज एक स्टूडेंट का नाम और दे देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे x04 करते हैं और यहाँ पर अगले स्टूडेंट का नाम आएगा, जैसे यहाँ पे गौरव कर देते हैं, तो ये अगले स्टूडेंट का नाम हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टेबल्स के अंदर चार ही डेटा है, तो हम भी चार ही रख लेते हैं क्लास में भी, ठीक है, और भी रख सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल मैं चार ही रख रहा हूं और इस टेबल को भी अब क्लोज कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आपको कॉमन फील्ड दिखेगी, देखिए इन दोनों टेबल्स के अंदर, जैसे एक तो हो गई रजिस्ट्रेशन वाली टेबल जिसमें रजिस्ट्रेशन आईडी तो है ही है, क्लास वाले टेबल में भी आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दिखेगी x01, ये है ना, अब ये रजिस्ट्रेशन आईडी में भी दिखेगी आपको, तो एक फील्ड कॉमन होना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप बनाएंगे तो बिना एक फील्ड के कॉमन हुए आप रिलेशनशिप बना ही नहीं सकते, ये चीज याद रखिएगा। अब हमको वापिस आना है कहां पर, क्रिएट पर, क्रिएट पर आकर के अगली टेबल हम बनाएंगे, अब ये यूनिट टेस्ट फर्स्ट वाली टेबल होगी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, टेबल पर क्लिक करते हैं और यहां से व्यू पे जाते हैं और यहां पे दे देते हैं यूनिट टेस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट कर दिया, यूनिट टेस्ट टीईएसटी करेंगे और यहां पे वन कर देते हैं यूनिट टेस्ट वन। अब यहां पर जैसे ही आते हैं ना, तो यहां पर एक फील्ड हम डाल देते हैं आईडी, तो आईडी को आईडी ही छोड़ते हैं यहां पे, और इसे हम ऑटो नंबर चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट ही कर देते हैं हम, ठीक है। और यहां पे कर देते हैं रोल नंबर, तो एक कॉमन फील्ड तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पे रोल नंबर हो गया, और रोल नंबर कौन सा डेटा टाइप होगा, तो यहाँ पे नंबर डेटा टाइप हम रखने वाले हैं, कौन सा डेटा टाइप, नंबर, क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे ही आते हैं तो अब यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे, तो कंप्यूटर हो गया ये पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश कर देते हैं, तीसरा सब्जेक्ट मैथ्स कर देते हैं, एम ए टी एच एस, ये मैथ्स हो गया, चौथा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे एस एस टी कर देते हैं, तो एस एस टी कर देते हैं, तो ये चार ही सब्जेक्ट रहने देते हैं या फिर पांच कर लेते हैं, यहाँ पे एक और सब्जेक्ट बढ़ा लेते हैं साइंस, एस सी आई ई एन सी ई, साइंस कर दिया, तो ये पांच सब्जेक्ट हो गए। देखिए अब सबका डेटा टाइप आपको क्या रखना है, नंबर रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये स्टूडेंट्स मार्क्स पाएंगे इन सब्जेक्ट्स में, तो आपको यहाँ पे नंबर ही रखना है, शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस डेटा टाइप को चेंज कर लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे कर देंगे टोटल और अंडरस्कोर लगा के मार्क्स, ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिएगा टोटल मार्क्स, क्लियर। तो ये हो गया टोटल मार्क्स, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, तो ये देखिए ये है आपका कैलकुलेटेड डेटा टाइप, तो ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप पे आए, और यहाँ पर अब सबको ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर पहला सब्जेक्ट है, सी ओ एम पी यू टी ई आर, कंप्यूटर प्लस का निशान लगाइए, इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश हो गया, बंद कीजिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर यहाँ पे मैथ्स कर दीजिए, एम ए टी एच एस, मैथ्स हो गया, फिर प्लस का निशान लगाइए, और फिर यहाँ पे एस एस टी, तो यहाँ पे एस एस टी कर दिया, फिर प्लस का निशान लगाइए, और फिर यहाँ पर साइंस, तो यहाँ पे एस सी आई ई एन सी ई, साइंस हो गया। अब इसको बंद करिए और बंद करके यहाँ से ओके करिए, ठीक है। और ओके करने के बाद यहाँ पर हमें चूंकि एवरेज भी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे एवरेज एक फील्ड डाल देते हैं, और यहाँ पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप का ही फिर इस्तेमाल हम करने वाले हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेटेड में जाकर के, क्योंकि हमने दिया यहाँ पे टोटल मार्क्स, तो यहाँ पे कर देते हैं टोटल अंडरस्कोर एम ए आर के एस, मार्क्स हो गया, और अपॉन कितने सब्जेक्ट हैं काउंट कर सकते हैं हम, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव से इसे डिवाइड कर देंगे,
और बस ओके कर देंगे, तो ये काम हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमें यहाँ पर आईडी दिखाई पड़ेगी। तो अब जैसे मान लीजिए आईडी को हम करते हैं R01, ये हमारी आईडी है और रोल नंबर तो 1 ही रहेगा, आपको याद ही है यहाँ पर जो क्लास टी वाले टेबल है इसमें रोल नंबर हमने 1 ही दिया है, तो हमें यूनिट टेस्ट वाली टेबल में रोल नंबर 1 ही रखना होगा। अब मार्क्स की फीडिंग करनी है, तो यहाँ पे 54 आउट ऑफ 100 मिला, 56 मिला, फिर 77 मिला, फिर 34 मिला, इस तरीके से मार्क्स मिलते जाएंगे और एवरेज भी कैलकुलेट होता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट हो गया। फिर यहाँ पर R02 करते हैं, आईडी क्या कर देते हैं R02 और रोल नंबर तो 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर किसी को इस तरीके से मार्क्स मिले, फिर यहाँ पर ये, फिर अलग अलग जो भी मार्क्स मिलते हैं उनकी फीडिंग आपको करते जाना है, ठीक है। तो देखिए फीडिंग करते ही आपको दिखेगा कि ये किस तरीके से मार्क्स जो है ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम R03 करेंगे और फिर यहाँ पर 3 रोल नंबर कर देंगे और यहाँ पर बाकी जो फीडिंग है वो फीडिंग तो करना ही है हमें, तो यहाँ पे ये फीडिंग भी करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। और फिर यहाँ पर R04 करेंगे और फिर यहाँ पर 4 रोल नंबर हो जाएगा, 23 मार्क्स हो गया, 12 मार्क्स हो गया, जो जैसा पाएगा वैसा मार्क्स यहाँ पर आपको देते जाना है, क्लियर। और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए ये चारों हो गए, अब यहाँ पर जो है यूनिट टेस्ट वाली टेबल भी बन करके तैयार है, क्लास वाली टेबल भी बन के तैयार है। तो जरा एक बार और यूनिट टेस्ट वाली टेबल को दिखेगा, यहाँ पर आईडी एक फील्ड डाली गई है और रोल नंबर तो वो कॉमन फील्ड है जो कि इसके पहले वाले में यानी क्लास वाले टेबल में कॉमन थी, ठीक है। अब हम यूनिट टेस्ट 2 बनाने वाले हैं, तो ये यूनिट टेस्ट 1 का रिकॉर्ड रहा, ठीक है। अब यूनिट टेस्ट 2 का रिकॉर्ड कैसे, तो यहां से क्रिएट पे जाइए, फिर टेबल बनाइए और टेबल बना करके वापिस से जाइए व्यू पर, और व्यू पे जाते ही यूनिट टेस्ट 2 करिए, यूनिट टेस्ट 2 ये कर दिया और एंटर करिए। अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर एक और आपको जो है फील्ड डालना होगा। जैसे मान लीजिए हम यहां पर आधार आईडी कर देते हैं, क्योंकि यूनिक फील्ड चाहिए ना, तो यहां पर आधार आईडी कर दिया और आधार आईडी तो रहेगा शॉर्ट टेक्स्ट में ही, ठीक है। बाकी यहां पर आईडी जो किया था वहां पर वही चीज यहां पर भी रखना है और यह आईडी को भी शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं यहां पर, क्योंकि वहां पर शॉर्ट टेक्स्ट था तो यहां पर भी तो शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद से हम क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट जो यहाँ पे दिए गए थे यूनिट टेस्ट 1 में, यानी कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ था, फिर इंग्लिश मैथ्स एसएसटी साइंस दिया गया था, तो वही चीज यहाँ पर भी देना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर दे देते हैं, तो यहाँ से व्यू पे चलते हैं और यहाँ से डिजाइन व्यू पे आते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर दे दिया। फिर यहाँ पर आते हैं, दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स, तो यहाँ मैथ्स दे दिया। तीसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर साइंस, तो यहाँ पे साइंस कर देते हैं, तो ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया। अब चौथा सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो चौथा सब्जेक्ट है एसएसटी, तो यहाँ पे एसएसटी कर दिया। पांचवा सब्जेक्ट अगर आप मैथ्स देना चाहें तो दे सकते हैं, तो एक बार चेक करेंगे कि पहले वाले टेबल में क्या हमारा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स दिया गया है, तो यहाँ पे मैथ्स ही हमें करना है, तो यहाँ पे MATHS मैथ्स कर दिया। और मैथ्स करके यहाँ पर आकर के अब यहाँ पर टोटल आपको करना है, तो ये टोटल करिए और टोटल करके फिर यहाँ पे एवरेज भी निकालना है आपको, तो ये एवरेज भी कर लेते हैं हम। तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एवरेज वैल्यू नाम दे देते हैं क्योंकि दोनों में सेम फील्ड हो जाएगा ना, और यहाँ पे केवल टोटल ही रहने देते हैं। अब बाकी हमें वही काम करना है कि यहाँ से जाकर के इसे नंबर डेटा टाइप बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो शॉर्ट टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये शॉर्ट टेक्स्ट नहीं रहेगा, ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप इसे शॉर्ट टेक्स्ट नहीं रख सकते, और यहाँ पर भी जहाँ कैलकुलेट करने वाली बात आएगी वहां शॉर्ट टेक्स्ट आप रख नहीं सकते। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा कि वहां पर आपको सीधा कैलकुलेटेड डेटा टाइप ही चूज करना है, ठीक है। और यहाँ पर इन सबको नंबर बना लीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये नंबर हो गया। अब यहाँ पर टोटल कर देते हैं, खाली टोटल रखते हैं यहाँ पे, और वहां पर कर देंगे एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर आकर के और यहाँ से आप इसे चेंज कर दीजिएगा कैलकुलेटेड में, तो कैलकुलेटेड में फिर वही चीज की कंप्यूटर इंग्लिश सबको जोड़ना है, तो यहाँ पे कंप्यूटर करते हैं पहला सब्जेक्ट, ये कंप्यूटर हो गया, प्लस का निशान लगाइए। फिर दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स, तो यहाँ पे MATHS मैथ्स हो गया। फिर तीसरा सब्जेक्ट क्या है, तीसरा सब्जेक्ट है साइंस, तो यहाँ पे SCIENCE साइंस हो गया। फिर प्लस का निशान लगाइए और साइंस के बाद कर दीजिए एसएसटी, तो ये हो गया एसएसटी। एसएसटी के बाद आपको प्लस करना है मैथ्स, तो यहाँ पे कर दीजिए MATHS मैथ्स हो गया। और मैथ्स को करके इसको बंद करके और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर एवरेज भी कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज में भी आपको कैलकुलेटेड ही डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे गए और यहाँ पर चूंकि हमारा एवरेज जो है टोटल में ही छिपा होगा, तो टोटल अपॉन क्या करते हैं 5 कर देते हैं, क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट हैं, जैसा कि आपने पहले वाले यूनिट टेस्ट फर्स्ट में देखा होगा कि हमने कैसे किया था, बट यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैथ्स दो बार हो गया है क्या, यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5, साइंस हो गया, इंग्लिश छूट गया है, तो यहाँ पे इसे इंग्लिश कर देते हैं एक को,
ENGLISH, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंग्लिश, क्लियर। और यहां से व्यू पे क्लिक करिए और यहां से यस करिए। तो अभी यहां पर आधार आईडी डालनी है, तो आधार आईडी कितने अंकों की होती है, जितने अभी अंकों की होती है उसको आपको डाल लेना है, तो वही रहेगा जो यहां पर आपने डाला था, यानी यूनिट टेस्ट फर्स्ट में जो आपने आईडी रखी थी R01 वही यूनिट टेस्ट सेकंड में भी रहेगी। तो यहां R01 कर देते हैं, यहां पर आकर के R01। अब यहां पर मार्क्स, हो गया। इसी तरीके से अब यहां पर जो आधार आईडी आएगा वो इससे डिफरेंट रहेगा, क्योंकि आधार कार्ड तो यूनिक ही होता है। तो यहां पर जो है एक नंबर हम खाली चेंज कर देते हैं, क्योंकि समझाना है तो जल्दी जल्दी से करता हूं। R02 कर देंगे, बाकी यहां पे फिटिंग तो करना ही करना है, तो आपको जितना मार्क्स देना है यहां पे दे सकते हैं, जिसको जितना मिला होगा उतना ही देंगे। अब ये हो जाएगा, और यहां पर आते हैं फिर वही चीज की यहां पर कुछ चेंजेस कर लेते हैं, यहां पे दो नंबर चेंज कर देते हैं हम। अब आगे आते हैं R03 करते हैं, फिर यहां पर आते हैं, तो यहां पर जो मार्क्स की फिटिंग है वो यहां पे करते चलते हैं। ये हो गया, अब लास्ट वाला बचा हुआ है, तो यहां पर इसके लिए भी हम फिटिंग कर लेंगे यहां पर आकर, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे R04 करेंगे, और बाकी मार्क्स की फिटिंग तो यहां पे करनी ही करनी है, तो यहां पे जो भी मार्क्स मिले हो वो फिट कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास चार टेबल्स हो गए, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसे सेव करके क्लोज करेंगे, और कहां चलेंगे, डेटाबेस टूल्स पे चलेंगे और रिलेशनशिप पे चलेंगे, ठीक है। अब चारों टेबल्स को बारी बारी से लेके आना, पहला टेबल था रजिस्ट्रेशन वाला, यहां लेके आ गए, दूसरा टेबल है क्लास वाला, यहां लेके आ गए, तीसरा टेबल है यूनिट टेस्ट फर्स्ट वाला, यहां लेके आ गए, चौथा टेबल है यूनिट टेस्ट सेकंड वाला, यहां लेके आ गए, यानी सारी चीजें हो गई है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, देखिए यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो इस रजिस्ट्रेशन आईडी को उठा के यहां रखिए और यहां पर तीनों पर टिक कर दीजिए, ठीक है, और टिक करके क्रिएट पे क्लिक करिए। ये एक रिलेशनशिप बिल्ट हो गई। अब जो है रोल नंबर का रिलेशनशिप रोल नंबर से कर देंगे, तो ये यहां पर भी ये रिलेशनशिप बिल्ट होती हुई आपको नजर आएगी। तो देखिए ये रिलेशनशिप बिल्ट हो गई। अब यहां पर आईडी का रिलेशनशिप आईडी से कर देंगे, तो यहां पर आईडी को आईडी के सामने ले जाकर रखेंगे, तो यहां पर ये रिलेशनशिप बिल्ट हो गई, ठीक है, और ओके किया, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे में रिलेशनशिप बिल्ट हो चुका है। अब इसका फायदा क्या है, यही रिलेशनल डेटाबेस है आपका। अब इसका फायदा ये है कि आप जब पहले वाले टेबल यानी रजिस्ट्रेशन टेबल पे जाएंगे, तो आपको ये दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन टेबल जिनका की रजिस्ट्रेशन आईडी जो है X01 है, उनका रोल नंबर 1 है, यूपी के रहने वाले, देवरिया के रहने वाले हैं, और उनका नाम जहीर है, लेकिन यहां पर भी प्लस बना हुआ है। तो इस प्लस पे क्लिक करते ही इनका जो यूनिट टेस्ट फर्स्ट वाला जो रिजल्ट है वो आपको शो होगा, ठीक है। पहले यूनिट टेस्ट फर्स्ट वाला शो करेगा, देन यूनिट टेस्ट सेकंड वाला शो करेगा। तो ये देख सकते हैं, ये यूनिट टेस्ट फर्स्ट, यूनिट टेस्ट सेकंड, सारी चीजें एक साथ शो हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लोगों का होगा, सबका होगा। कैसे, देखिए यहां पर क्लिक किया तो इनका आ गया, अब इस पर क्लिक किया तो इनका यूनिट टेस्ट फर्स्ट वाला आ गया, फिर यूनिट टेस्ट सेकंड वाला आ गया। तो आई होप कि आपको पूरी बात क्लियर हुई होगी कि ये रिलेशनल डेटाबेस बनाने का फायदा क्या है और किस तरीके से आप ऐसा कर सकते हो। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट वगैरह में दिया जाता है तो आप करके बताएंगे, तो आपका एक नंबर क्या मजाल है किसी की काट लेगा, एक नंबर नहीं कटेगा आपको, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।